हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी को रीजनिंग पढ़ाता हूं और हमारा टॉपिक चला हुआ है काउंटिंग ऑफ फिगर। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मेरे को आप सभी से एक बात और करनी है कि भाई, लॉकडाउन लग चुका है, सभी घर पर रहिए और बाहर ना निकलें, ठीक है। क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे, एक तो कोरोना का डर है, दूसरा पुलिस वालों का, बड़े डंडे मारेंगे मेरे भाई, फिर पछताओगे, ठीक है। तो घर पे ही रहें, स्वस्थ रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। दूसरी बात, चलिए आइए अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले भी चैनल को जितना हो सके भाई अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भाई, क्योंकि अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलती है, हमें भी थोड़ा हौसला होता है कि हाँ, हमारे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हम और जोश से पढ़ाएंगे, ठीक है जी। चलिए आइएगा। तो भाई, पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को, तो उस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ जो घर के लिए दिया था मैंने। ये वाला जो क्वेश्चन था वो आपके घर के लिए दिया गया था। ऑप्शन जो दिए गए थे, आई थिंक जो मेरे को अभी तक याद है, 46, 48, 50 एंड लास्ट था नन ऑफ दीज, माय फेवरेट। क्योंकि बच्चे यहीं पे आगे कंफ्यूज होते हैं और यही बात मैंने पिछली वीडियो में बोली थी। तो भाई, इसका आंसर जो आया है, कुछ बच्चों का बहुत ही बढ़िया आंसर आया है, बहुत बिल्कुल ठीक आंसर आया है, लेकिन कुछ बच्चों ने, जो मैं, मुझे पता था कि वहीं पे गलती करेंगे, कुछ बच्चों का आंसर वो भी आया है। क्योंकि देखो, यहाँ पे ना एक दो की काउंटिंग करने में ही गड़बड़ हो जाती है। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर है क्या। देखिए, ये एक सिमेट्री फिगर है, मतलब कि सिमेट्री क्या, समान फिगर। समान कैसे, कि जैसे ऊपर बनी हुई है वैसे लाइन से नीचे बनी हुई है, यानी कि जल प्रतिबिंब लगा लो इसको, ठीक है, एक वाटर इमेज लगा लो इसको, कि जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे। मान लो हम जैसे ऊपर वाटर के सामने खड़े हैं तो नीचे ही वैसे ही फिगर मेरा बनेगा, तो वही चीज़ ये है। तो इसके लिए ना, नीचे वाली फिगर को एक मिनट के लिए आप भूल जाना कि नीचे कुछ बना हुआ है, उसको भूल जाना, ऊपर वाली फिगर को देखते हैं। तो अगर मैं नीचे वाली को भूल जाऊँ यहाँ तक, तो एक ऐसी फिगर हमने पढ़ी है ना, सबसे पहली वीडियो को याद करो, सबसे पहला जो टाइप हमने की थी ना काउंटिंग ऑफ फिगर में, जब सबसे पहली फिगर वो वीडियो बनाई थी, उसमें क्या किया था हमने, सॉरी भाई माफी चाहता हूँ एक मिनट के लिए, एक मिनट, सॉरी, फोन को साइलेंट करना थोड़ा भूल गए, आइएगा। हमने उस पहली वीडियो में क्या किया था कि हमारे पास एक फिगर बनी हुई है जिसमें सामने वाले पॉइंट से और सरफेस पे ऐसे लाइनें आई हुई हैं, तो उसको काउंट करने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए पहली वाली वीडियो पे जाना, क्या करते हैं जी, काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंटिंग की, ऐसे नंबरिंग की उसकी। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाली को भूल जाना, उसके बाद क्या करते हैं जी, इनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इन सब का क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं। इनका एडिशन करने के बाद कितना आएगा, 1 और 2, 3, 3 और 3, 6, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5, 15 15 और 6, 15 और 6, 21 21 कहाँ तक हो गए जी, इस लाइन तक, ये यहां तक, कितने हो गए जी, 21 हो गए। वैसे ही नीचे से आ जाओ, ऊपर वाली फिगर को भूल जाओ, यहां से लेके यहां तक भी तो वही चीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सबको अगर मैं ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करने के बाद इस लाइन तक, यहां तक, नीचे तक कितने बन जाएंगे जी, ये भी कितने बनेंगे जी, 21 ही बनेंगे। 21 ऊपर है, 21 नीचे है, 21 ऊपर, 21 नीचे, टोटल कितने हो गए जी, 42 क्या 42 ट्रायंगल्स बनेंगे टोटल, क्या टोटल ट्रायंगल्स यहाँ पे 42 बनेंगी जी। देखिए, अगर मेरे पास एक फिगर ये बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है, वैसे ही एक ट्रायंगल अगर नीचे बनी हुई है, ऐसे मैं लाइनें खींच दूँ, 1, 2, 3 3, 2, 5 और 1, 6 यहाँ पे बनी, वैसी दो लाइनें यहाँ पे हैं, तो 6 नीचे वाली में बनेंगी, तो टोटल मिला के कितनी बनी जी, 12 बनी है। लेकिन क्या मैं इनको जोड़ दूँगा, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो तब भी 12 बनेगी। तो बस वही चीज़ यहाँ पे देखनी है
कि 21 ऊपर वाली में बनी है, 21 नीचे वाली में बनी है, मैंने दोनों को जोड़ दिया है, और दोनों को जोड़ने के बाद क्या 21 ही बनेगी, सॉरी 42 ही बनेगी, 21 ऊपर है, 22 नीचे, 1 नीचे है, तो क्या 42 ही बनेगी? तो उसके लिए बस एक देखना है हमें, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ ट्रायंगल्स मेरे पास बढ़ेंगे। तो 42 तो वैसे, 42 तो वैसे ही बन चुकी थी, अब बड़ी कौन सी? देखो ये जो लाइन आई थी ना, मैंने देखो ये लाइन सीधी खींची थी ऐसे, ठीक है, खींची थी। उसके बाद एक चीज देखो, ये लाइन तो सीधी है, मैं इनको मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए देखना जरा थोड़ा। अब आप एक काम करो, इस लाइन को मानो बेस, इस लाइन को मैंने बेस माना, और देखो नीचे वाली और ऊपर वाली इन ट्रायंगल को मिल गई, ये वाली एक ट्रायंगल नहीं बन गई, देखो ये वाली यहां तक, इस पॉइंट तक, ये वाली यहां से यहां तक, यहां इधर वाली को छोड़ देना, भूल जाना, एक ट्रायंगल इन दोनों को मिला के बनी, ठीक है। उसके बाद इन लाइनों को भूल जाओ, इन लाइनों को भूल जाओ, यहां से लेके मैं चला इस लाइन पे, फिर यहां आया इस लाइन पे, और फिर इधर आया, तो इन दोनों को मिला के भी एक ट्रायंगल बनी, वैसे ही एक ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक, और ये एक बड़ी ट्रायंगल ये बनी। कितनी ट्रायंगल बनी जी उधर? 3 ट्रायंगल्स बन चुकी हैं। वैसे ही जब मैं उधर से इधर आऊंगा, तो इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बनी, इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बनेगी, और इन दोनों को मिला के भी एक ट्रायंगल बनेगी। टोटल कितनी बननी जी? 1 2 3 4 5 6 कितनी बन रही है जी? 6 ट्रायंगल बन रही है दोनों के कॉम्बिनेशन से। 42 पहले बनी थी, 6 अभी बन गई, तो टोटल कितनी बनी जी? 48 बन गई है मेरे भाई। तो यहाँ पे जिसका 48 आंसर आया था, बिल्कुल ठीक है अनुज जागलान जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, एक और थी जी, आई थिंक रितु नाम था लड़की का, उसका भी आंसर ठीक आया था। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल वैसे कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक बच्चे का एक क्वेश्चन आया था मेरे लिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताना, सिमेट्रिक क्वेश्चन था, ठीक है, सिमेट्रिक क्वेश्चन था, उसको भी बनाते हैं भाई, उसको देखना आपका आंसर कैसे क्या आएगा उसमें, देखिएगा। आप लोगों ने भी शायद ऐसा फिगर देखा होगा, ये भी सिमेट्रिक फिगर है, यानी कि जैसा ऊपर बना हुआ है, सॉरी थोड़ा ठीक बनाते हैं, हाँ ये वाला, कि जैसा ऊपर बना हुआ वैसा ही नीचे बना हुआ, यानी कि एक तरफ की ट्रायंगल्स अगर हमने काउंट कर ली, तो दूसरी तरफ की ट्रायंगल्स हमारी अपने आप आ जाएंगी, तो दोनों को ऐड कर दो, हम बता देंगे कि इस फिगर में टोटल ट्रायंगल्स कितनी बनेंगे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन फिगर था किसी बच्चे का, तो आइए भाई उसी पे बात करते हैं एक मिनट के लिए। एक बात देखिए, इस फिगर के अंदर, इस डब्बे के अंदर ये बॉक्स जो है, इसके अंदर में पता है कितनी ट्रायंगल है जी? कितनी है जी? 1 2 3 4 4 है, 4 2 8, यानी कि इस बॉक्स के अंदर कितनी ट्रायंगल बनेंगी जी? 8 ट्रायंगल बनेगी, 8 ट्रायंगल यहां बनी और 8 ही यहां पे बनेगी, तो इन बॉक्सों के अंदर कितनी बनी जी? 16 बन गई, 16 ट्रायंगल बनी है। कोई डाउट हो किसी को? 8 यहाँ पे बनी, 8 यहाँ पे बनी, 16। उसके बाद जब ये दोनों बॉक्स मिल रहे हैं, मिल कहाँ पे रहे हैं जी? इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, और एक इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे देखो, एक तो ये ट्रायंगल इन दोनों बॉक्सों के मिलने की वजह से, और यहाँ पे एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है, दो ट्रायंगल ये बनी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाले की काउंट कर रहा हूँ, बॉक्स के अंदर कितनी बन रही है? बॉक्स के अंदर कितनी बनी थी? 18 ट्रायंगल्स बन रही है। इन स्क्वायर्स लगा लो, बॉक्स लगा लो, कुछ भी लिख लेना, 18 ट्रायंगल बन रही है यहाँ सिर्फ इन दो के अंदर। उसके बाद एक ट्रायंगल मेरी ये बनी हुई है, देखो ये छोटे वाली, और एक ट्रायंगल बनी हुई ये वाली। इसमें किसी को डाउट हो भाई? दो ट्रायंगल यहां पे बनी हुई है, कितनी हो गई? 20। कितनी हो गई भाई? 20। यहां तक किसी को डाउट हो भाई कुछ?
अभी बता दे। यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो अभी बता सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर रहा हूं, मैं ऊपर वाले काउंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिना, यहाँ पे इन दो के अंदर कितनी बनी, जिन दो के अंदर बनी 18, फिर मैंने एक ये री भाई, एक ये री गिन ली, गिन चुके हैं कितनी बनी जी, दो और ऐड कर दी 20 हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबरिंग करनी शुरू की, ए यहाँ पे लिया, बी और यहाँ पे लिया सी, ए बी सी इसके अंदर कितनी बनेगी, कितनी बनेगी, थ्री। एक तो ए बी सी, एक तो ये वाली बनी, उसके बाद एक ये छोटे वाली और एक ये छोटे वाली, तीन ट्रायंगल बन गई। तीन ट्रायंगल कहाँ, इन ए बी सी, ठीक है जी। चलिए प्लस, उसके बाद ए से शुरू हुआ बी सी, यहां पे ले लो डी और यहां पे ई, ए इन ए डी और ई, इसके अंदर कितनी बनेंगी। यहां से गया मैं डी पे और यहां से ई पे, देखो ये लाइन सीधी आई हुई है, इसको दो पार्ट में, एक तो ये वाली देखो यहां से लेके यहां तक ए, इधर एक तो ट्रायंगल ये बन गई, वैसे ही एक ट्रायंगल बनी इधर वाली दो और एक ये बड़े वाली, तो तीन ट्रायंगल यहां से बनी। तो टोटल कितनी बनी है अभी तक, 20 और 6, 26 बन गई जी। क्या पूरी हो गई मेरी ट्रायंगल्स, क्या कंप्लीट हो जाएंगी भाई बता दो, हो गई, क्योंकि बच्चों को यहां तक काउंट करने के बाद बच्चों को अगली ट्रायंगल्स दिखाई नहीं देती और वही तो गड़बड़ हो जाती है मेरे भाई, वही गड़बड़, वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। कौन सी गड़बड़ आ जाइए देखते हैं, कौन सी गड़बड़ भाई, दिख रही है किसी को, आ जाइए इस पॉइंट बी पे और सी पे देखिएगा एक बार। मैंने इस सिंगल ट्रायंगल को गिना है जी, हाँ जी गिन चुके हैं, साइन लिखा हुआ, टिक मार्क लगा रखा, और इस सिंगल को भी गिन चुके हैं, लेकिन इस सिंगल ट्रायंगल से मिलके और इस पॉइंट यहां से मिलके, देखो यहां से लेके यहां पे आए फिर यहां पे गए, ये वाला ये एक ट्रायंगल बन रही है क्या, अभी इन दोनों को मिलाया मैंने, नहीं मिलाया, एक ट्रायंगल ये बनी, वैसे ही यहां से एक ट्रायंगल ये बन रही है, ये वाले, तो दो ट्रायंगल कहां बनी, ऑन पॉइंट बी एंड सी। तो कितनी बनी भाई, देखो दो नहीं बनी है, सॉरी एक मिनट के लिए, एक तो ये ऊपर वाली बनी बी पे, एक तो ये बनी और एक ये, इसको मिला के इधर आ जाओ नीचे ये वाले, एक ये भी तो बनी है, बनी वैसे ही एक यहाँ पे इसी पॉइंट पे, एक तो ये बनी और इसी ही पॉइंट पे एक ये नीचे की तरफ, ये वाली भी तो बन रही है, ठीक है जी। तो मेरे कहाँ कितनी बनी है जी, फोर बनी है, कौन से पॉइंट पे, ऑन बी एंड सी, इन पॉइंटों पे मेरी कितनी बननी है जी, दो बन रही है, सॉरी दो यहाँ पे बी पे बनी है और दो कहाँ पे बन रही है, सी पे बन रही है। तो टोटल कितनी बनी, फोर बनी, और इसमें कितनी बन गई जी, 30। अब 30 ट्रायंगल्स मेरी सिर्फ इससे ऊपर ऊपर बन रही है और सेम फिगर मेरा नीचे की तरफ है। अब 30 ऊपर बनी है तो 30 कितनी कहाँ बनेगी जी, नीचे की तरफ बनेगी, और टोटल कितनी होगी जी, 30 प्लस 30 60। और अब कई बच्चों के मन में ये आएगा, जैसे मैं बोलता भी रहा हूँ, कि जब अलग अलग में 30 उसमें है, 30 उसमें, तो दोनों के मिलाने की वजह से एक दो बढ़नी चाहिए, कुछ तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई एक भी नहीं बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे इसको और उसको मिलाने की वजह से क्या कोई ट्रायंगल बन सकती है, देख लेना एक बार, नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितनी आएंगी जी, 60 ट्रायंगल्स बन रही हैं, ठीक है जी। चलिए आइएगा अब आगे बढ़ते हैं और अपना ट्रायंगल्स का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। ट्रायंगल्स को यहीं पर ख़त्म करने के बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली टाइप पे, काउंटिंग ऑफ स्क्वेयर्स पे। हमने ट्रायंगल काउंट किया अभी तक कि ट्रायंगल्स को कैसे काउंट करना, अब काउंटिंग ऑफ फिगर में काउंटिंग ऑफ स्क्वेयर काउंट करते हैं। देखिए बनाने में शायद थोड़ा छोटा बड़ा बन जाए तो थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को, बेसिक फिगर करते हैं पहले। कितनी है भाई, कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर जी, एक ही दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है आपका, एक ही दिख रहा है, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर, चलो हाँ बना दोगे आप इसे गिनना, मैं एक और बना रहा हूँ।
हाउ मैनी स्क्वेयर आर देयर इन दिस फिगर? हाउ मैनी स्क्वेयर इन दिस फिगर? देखो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा बन जाएगा ये मैं मान रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखो, देख रहे हैं थोड़ा सेम सेम से तो देखिएगा यहाँ पे कितने स्क्वेयर बन रहे हैं भाई। चलो फिगर फर्स्ट से आते हैं। फिगर फर्स्ट कितने स्क्वेयर बन रहे हैं? जी वन बन रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर है। इसको फिगर सेकेंड मानते हैं, इसमें कितने स्क्वेयर बन रहे हैं भाई? कितने बन रहे हैं? क्या ये स्क्वेयर है? ये एक स्क्वेयर है? जी नहीं, सिर्फ एक बाहर वाला एक स्क्वेयर है। तो सिर्फ कितने स्क्वेयर बन रहे? जी वन ही स्क्वेयर बन रहा है, क्योंकि बाकी यहाँ पे क्या हो गए? जी रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो स्क्वेयर नहीं बन रहे। लेकिन यहाँ पे आए तो एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे, जी एक स्क्वेयर ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक बाहर वाला, तो टोटल कितने बने? जी फाइव बन गए मेरे यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे कितने बनेंगे? जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बाहर वाला बड़े वाला 10। क्या 10 ही बनेंगे? बस वहीं पे बात आके थोड़ा रुक जाती है। ठीक है, अब 10 नहीं बनेंगे। मान लो मैंने ये स्केयर लिया है, उनको एक मिनट के लिए छोड़ना, अब यहाँ पे आप ये एक बड़ा स्केयर लिया है कि बाहर वाली वैल्यू एक स्केयर है और स्केयर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर की, क्योंकि उसकी भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो मैंने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब जो स्केयर होता है उसकी चारों साइड बराबर होती हैं, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 और ये भी 3। अब ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी, ये भी, ये भी, सारे 1 सेंटीमीटर के हैं। बात ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यहाँ तक मिलकर कितने हो गए? 2 सेंटीमीटर का। और ये 1 और 1 मिलके यहाँ तक भी 2, ये 1 और 1 यहाँ तक भी 2 और यहाँ तक भी 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर, ऐसे भी 2 सेंटीमीटर और ऐसे भी 2 सेंटीमीटर। तो अब ये 2 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर नहीं बन गया? इन चार को मिला के ये भी एक स्क्वायर बना, वैसे ये भी एक स्क्वायर बनेगा, ये भी एक स्क्वायर बना और ये भी एक स्क्वायर बनेगा, बन सकता है। तो 4 स्क्वायर और बन गए, तो टोटल कितने हो गए? जी 14 हो गए। तो अब बनाए कैसे इसको? अब क्या ऐसे गिनने पड़ेंगे मेरे को सारे? तो देखो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आप सिर्फ एक बात याद रखनी है। देखो हम इसको काउंट करके कैसे गिनेंगे, कैसे निकालेंगे, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और इसमें एक छोटी ट्रिक बनाई गई है हमारे बड़ों द्वारा, हमारे टीचर्स द्वारा, हमारे जो गुरु रहे हैं उन्होंने इसके लिए कुछ ट्रिक बनाई है। वो कैसी होती है आइए देखते हैं। जैसे ये तो सिंपल फिगर है, इनको मिटा रहा हूँ मैं 2 को। आइए ये लगा लो कि आपका काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में क्वेश्चन नंबर 1 है। ये इसमें 5 फिगर आई है, मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। अब 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5, बड़े आराम से काउंट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन फिर बात वही आई, इसमें 5 ही आई थी ना। अब यहाँ पे कितनी आएंगी उसके लिए हम क्या करें? अगर इससे बड़ी वैल्यू, जैसे यहाँ तो 2 लाइनें ऐसे हैं, 2 ही लाइनें ऐसे, यहाँ पे 4 लाइनें ऐसी हों और 4 लाइनें ऐसी हों, या 3 लाइनें ऐसे हैं, 3 लाइनें ऐसे हैं, तो उसको कैसे करेंगे? आइएगा देखो इनकी क्या करनी है, आप क्या करना है, आपको एक छोटी सी नंबरिंग करनी है। वो कैसे? यहाँ पे 1 लिखा तो इधर 2, और इधर से इधर गिनेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर गिनेंगे तो 1 और ये आ गया 2, और इधर से इधर गिने तो 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो उधर सबसे लास्ट वैल्यू और इधर सबसे लास्ट वैल्यू है, इधर सबसे लास्ट कौन से? 2, उधर उधर सबसे लास्ट 2, तो 2 2 4 और सीधा क्या, एक क्या रह गया, 1 बचा, सिंगल 1 बचा, तो 1 का 1 लिख दे, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। इसका क्या करें? इसकी भी नंबरिंग करो जी। 1 2 3 इधर नंबरिंग की, उधर भी नंबरिंग कर दो। 1 2 3 इधर सबसे बड़ा नंबर कौन सा? जी 3। उधर जाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 3। 3 3 जा जी 9 प्लस 2 2 जा कम करते हैं उसमें ना, इसमें से भी कम करते रहे, 2 2 जा जी 4, और यहाँ पे क्या बचा जी? 1 ही बचे हैं, तो 1, 9 और 1 10 और 4 14, कितने आ गए जी? 14।
आगे 14 आ गई। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, लो जी 1, 2 and 3, ठीक है 1, 2 and 3। इस लाइन को थोड़ा क्लोज कर देते हैं भाई, ये लो ये बना हमारा। अब इसमें कितनी बनेगी, काम सेम करना हमें जी, 1, 2, 3, 4 इधर भी कर दो, 1, 2, 3, 4 ठीक है। अब यहां पे 4, 4 जा 16, 3, 3 जा जी 9, 2, 2 जा जी 4 और 1 का 1 आ गया, ऐसे कैसे, ठीक है जी। 16 और 4 16 और 4 20, 16 और 4 20 हो गए, 20 और 9 और 1 10, 20 और 10 कितने हो गए 30, यानी कि इसके अंदर कितनी बनेंगी जी 30 बनेंगी। यहां पे किसी को डाउट हो भाई, मैं काउंट कर देता हूं, इस लाइन में कितनी बनी, 4 स्क्वायर बने 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 16 बन गए, ठीक है। एक बाहर वाला बड़े वाला 17 17 बन गए। उसके बाद क्या करें, 17 के बाद इन चार को मिला के एक बनेगा, क्योंकि देखो अगर ये एक सेंटीमीटर ये एक ही ऐसे दो दो करके बनेंगे, तो इन चार को मिला के एक 17 बन चुके, 18 एक एक करके मिले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 बन गए ये। उसके बाद दो दो को मिला, दो इधर लिए अब तीन इधर से लो ऐसे, इन तीन को मिला के और इन तीन को मिला के एक बना, इन तीन को मिला के इन तीन को 2, 3, 4 चार ये बने, कितने हो चुके हैं जी 17 और 4 कितने होते हैं 21, 21 और 9 कितने हो गए जी 30। किसी को कोई डाउट हो भाई तो बता सकता है, ठीक है जी। चलिए अब देखो क्या होता है, अब कुछ टीचर इसको कैसे कराते हैं, मैं भी वैसे ही कराता हूँ, वैसे क्लास में मैंने वैसे ही कराया, लेकिन इसको मैंने ऐसे क्यों, देखो क्लास में कैसे कराते हैं जी, इसकी नंबरिंग करो बस ऐसे कि यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे भी 1, 2, 3 सेम है ना, तो क्या करो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इनका स्क्वायर कर दो जी, 9 और 4 9 और 1 10 और 4 14 हो गए 14, इनका स्क्वायर करना बस स्क्वायर, ठीक है। अरे मैंने भी तो वही किया, मैंने इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई, इस 2 को इस 2 से और 1 ऐसे कैसे लिख दिया, मैंने भी वही किया, लेकिन अब मैं स्केयर क्यों नहीं लिख रहा, उसका एक रीजन है, आइएगा अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक इधर मैंने काउंटिंग की 1, 2, 3, 4 तक गया, तो इधर भी कहां तक जा रहा हूं जी 4 तक ही जा रहा हूं। लेकिन अगर बाय चांस मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये वाला कि इधर से मैंने लाइनिंग खींची जी 1 और 2 और इधर से 2 नहीं खींच रहा मैं, इधर से लाइनें खींच रहा हूँ जी 1, 2 and 3 और इधर से लाइनें खींच रहा हूँ जी 1 and 2 ये बात। अब इसकी अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, देखो वो क्या था, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे क्या भाई देखो 1, 2, 3, 4 तक है और इधर से गिनूं तो 1, 2, 3 यहाँ पे ये 3 है ये 4 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल, तो उसमें क्या करेंगे मेरे भाई, तो वहाँ पे वही काम करना है, बस सेम वही प्रोसीजर चलना है जो हमने यहाँ पे किया। हमने क्या यहाँ पे क्या किया है जी, लास्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वही करो 4 3 जा 12, 3 3 जा 3 2 जा 6 अब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में ये देखो इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो जो बच गया 2 1 जा जी 2, 12 और 6 18 और 2
बस यही बनना है, गिन सकते हो आप 1 2 3 4, चार इस लाइन में चार बन रहे, चार ही बन, चार दुनिया आठ, चार तीन बारह, बारह बन गए। उसके बाद बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ तक फोर है और यहाँ तक थ्री है, तो नहीं बनेगा। तो बारह तो ये बन गए, बारह के बाद इन चार को मिला के एक बनेगा, 13 14 15 16 17 और 18, अठारह उसके बाद इन तीन तीन को मिला के, तीन यहाँ तक 19 और फिर इन तीन को मिला के 20, तो कितने बन रहे, 20 बन रहे। वही काम हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे दूसरा, अब यहाँ पे तो मैं ऐसे कर दूँ जी, 4 को लास्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, इस लास्ट वाली को इस लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे मैं आपको सिखाऊं जी, आप एक काम करो, जब रो और कॉलम इक्वल हो तो फिर क्या करना जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल ऐड होने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे सिखा रहा हूँ आपको, और जब नंबर ऑफ कॉलम और रो इक्वल नहीं है तब मैं कह रहा हूँ जी, लास्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्यों ना दोनों में सेम रखें, यहाँ पे भी लास्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, लास्ट वाली को इधर, अब देखो लास्ट वाली से पहले कौन सी, ये 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पे 4 को 3 से 3 को 2 से और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, चलिएगा, बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। अभी काउंटिंग ऑफ स्क्वायर के हम 3 से 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर के हम 1 2 3 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, अभी 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सॉरी मैंने उनकी नंबरिंग नहीं दी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा हा, और क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाता हूं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, इसको क्वेश्चन नंबर 5 मत माना, ये बस आपको बस समझने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी लिखेंगे, इसके अंदर हम काउंट कर चुके हैं, बिल्कुल काउंट कर चुके हैं जी, 5 ट्रायंगल आएंगे, और इस रेड वाला ले लो, प्लीज फाइंड हाउ मैनी स्क्वेयर आर देयर, कितने स्क्वायर बनेंगे भाई इसके अंदर, बता सकता है कोई? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, मैंने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं लिया मेरे भाई। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर, भाई देखिए, जब एक स्क्वायर होता है ना, और उसके मिडिल पॉइंट्स को यहाँ पे इनको मिला रहा हूँ मैं, ये मिला रहा हूँ, ये भी एक स्क्वायर ही बनेगा। तो यहाँ पे कितने, 5 पहले, देखो पहले का अलग तो हमें पता है ना, एक ऐसा है और उसके अंदर ऐसे, तो इसके अंदर 5 बनेंगे, और यहाँ पे जब मैं इसको मिला रहा हूँ तो एक और बन गया मेरा, तो कितने बने जी, 6 बने। ठीक है जी, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, मैं अगले पे मेन जो क्वेश्चन हमें करना है उस पे आते हैं, आइएगा। एक मिनट बस भाई, थोड़ा फिगर बनाने में ना हो जाती है, थोड़ा फिगर पहले बने हुए ना उसकी बात अलग होती है। ठीक है जी, उसके बाद ये और ये वाला, हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर, हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर, प्लीज गिव मी द आंसर। क्या आंसर आ रहा है भाई आप लोगों का, कितने स्क्वायर बनेंगे? जो बात मैं आप लोगों को कहता हूँ वो अभी फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, अपना आंसर निकालिए, फिर मेरे को बताइएगा कि आप लोगों का आंसर क्या आया है। मुझे नहीं बताना, आपको खुद भी चेक करना है। देखिए आइएगा करते हैं, देखिए अगर सिर्फ इसके अंदर देखो, इस ब्लैक वाले के अंदर, ये ब्लैक वाला फिगर वही नहीं बन रहा है, एक ऐसे वाला उसके अंदर ऐसा है, ये ब्लैक वाला सिर्फ ये देखना है, उसके अंदर ऐसा प्लस का निशान बना हुआ देखो ये, और फिर एक ये, तो इसके अंदर कितनी बनेंगी, 6 बनेंगी, बनेंगी 6, यानी कि सिर्फ इसका नाम ले दूँ मैं ABCND,
कितनी बनेगी जी? 6 बनेंगी, सॉरी हाँ 6 बनेंगी, ठीक है। किसके अंदर जी? ए बी सी डी के अंदर, ओके। उसके बाद मैंने बड़े वाले को लिया पी क्या आर एंड एस, इसके अंदर कितनी बनी? एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 और एक ये बड़े वाला 5 और एक ये रेड वाला, कितने बने जी? 6 बने। किसके अंदर जी? पी क्यू आर एस के अंदर कितने बने टोटल जी? 12। इस 12 के अलावा कोई मेरे भाई किसी को दिख रहा है तो मेरे को बताएं, इन 12 के अलावा किसी को कोई स्क्वायर दिख रहा है तो मेरे को भी बता दें, ठीक है जी? ठीक है जी, 12 ही बनेंगे, कोई और नहीं बनेगा, आ जाइएगा। ये चल रहा है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे भाई मेरे को जरूर बताएं, जब तक आगे चलते हैं हम, आइएगा। देखिए आप लोग अगर कमेंट करके मेरे को बताएंगे ना तो मैं उस चीज़ को दोबारा फिर कराऊंगा, लेकिन वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि मैं चीज़ को किसी क्वेश्चन को दोबारा कराऊं या नहीं कराऊं, या किसी टाइप को दोबारा करा रहा हूं या नहीं करा रहा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मेरे को सेंड करेंगे तो मैं उसको दोबारा फिर कराऊंगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम या कोई आप क्वेश्चन अपनी तरफ से भेज दो तो मैं उसको ज़रूर कराऊंगा मेरे भाई। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई कई बार एग्जाम में, तो इस एग्जाम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा मेरे को बताना। इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, सॉरी कितने स्क्वायर आएंगे भाई बताना जरा। इस क्वेश्चन के अंदर हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर, हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर। देखिए सबसे पहले तो इन प्लस वाले पॉइंट को भूल जाना जो मैंने रेड से लिए ना, एक मिनट के लिए इनको भूल जाना। उसके बाद देखना एक तो ये वाला बन ही रहा है 1 2 3। अब देखो अगर मैं इनको भूल रहा हूं तो मैंने एक चीज की थी कि जी 1 2 3 और इधर से इधर काउंट करूंगा जी 1 2 3 सेम है, 3 का 3 से स्क्वायर 9, सॉरी मल्टीप्लाई 2 का 2 से मल्टीप्लाई जी 4 एंड 1 का 1 से जी 1 ही आएगा, तो कितना आ गया तो 9 और 9 और 1 10 और 4 14 14 तो ये बनने ही बनने हैं। उसके बाद क्या किया जी इसने इस वाले को छोटे पार्ट में 1 2 3 4 4 यहाँ से बन रहे हैं, 4 यहाँ से बनेंगे और 4 ही यहाँ से बनेंगे, तो कितने बन गए 4 3 12 12 यहाँ से बन गए तो कितने बन रहे हैं भाई टोटल 26। किसी का कोई डाउट हो तो मेरे भाई बताना, यहाँ तक का इसमें एक काम और कर देता है, किसी एक फिगर में ऐसे भी कर देता है, मतलब उसको अपनी यार आपको परेशान करना है एग्जामिनर को, मेन बात क्या कि आप उसको ढूंढते रहो, ठीक है जी। लेकिन हमें परेशान होना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं भाई और ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको परेशान होने भी नहीं दूंगा मेरे भाई, ठीक है जी। चलिए इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मेनली जो होता है ना वो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स ही होता है, यहाँ से ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आइएगा। स्क्वायर नहीं बना भाई, तो रेक्टेंगल बन गया, ठीक है ना, आइए। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई एक बार एग्जाम में, ठीक है। बस यही क्वेश्चन पूछा गया, क्या आंसर आएगा भाई इसका निकाल दो जरा, क्या आंसर आ जाएगा भाई इसका निकालिएगा जरा एक बार। देखिएगा 1 2 3 4 इसको एक ही मान के चलो, अभी रेड वाले को भूल जाना, 1 2 3 और एक ये वाला 4 और एक ये टोटल मिला के 5 यहाँ पे बने, वैसे ही 1 2 3 4 और एक ये वाला 5 5 यहाँ पे बने और 5 ही यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 5 5 10 5 15 15 तो यहाँ पे बन गए। उसके बाद
इस एक के अंदर, ये वाला तो मैं गिन चुका हूं बारह वाला तो, लेकिन इसके अंदर एक दो तीन चार, चार यहां बने, चार दूनी आठ और चार तीय बारह, बारह यहां पे बन रहे हैं, तो कितने हो गए, कितने हो गए भाई 27। कई बार बस वही यही करता है कि यहां पे इनको बस ऐसे कर लेता है, फिर पूछता आपसे वो भैया उस टाइम पे क्या होगा जी, एक एक और बढ़ गया जी, अब तीन, अब क्या हुआ जी, अब तीन और बढ़ गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, थ्री और बढ़ गए, अब टोटल कितने हो गए जी 30 स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पे। किसी को कोई डाउट हो मेरे भाई इसमें, मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो बेहिचक होके आपको नीचे स्क्रीन पे एकेडमी का नंबर भी दिख रहा होगा, आप वहाँ पे कॉल करके बता सकते हैं कि सर मुझे इस पॉइंट पे आके या इस सब्जेक्ट में यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत है, उस चीज़ को दोबारा कराइए। तो आप यकीन मानिए, आप कहीं से भी हों, आप हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, उस वो बात कोई मायने नहीं रखती, हम वो चीज़ दोबारा आपको कराएंगे, ठीक है जी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भाई, और इस टॉपिक को यहाँ पे फिनिश करने की सोचते हैं। एक चीज़ हमारी रहती है कि काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल हमारा रहता है, ठीक है। चलिए उस चीज़ को हम अगली वीडियो में देखते हैं, लेकिन उससे पहले ना आज के लिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि बच्चे ज़्यादा लंबा पढ़ना भी पसंद नहीं करते। आप ये ना थोड़ा छोटा छोटा हो, उस वीडियो को ज़्यादा ध्यान से देखते हो, बड़ी होते ही ना नींद आने लग जाती है, क्या सोना नहीं है मेरे भाई। वीडियो को जितनी बार चाहे आप 10 मिनट की वीडियो देखें, लेकिन उसको ध्यान से देखें, वरना अगर एग्जाम में जब बैठोगे ना तो वहाँ पे भी फिर नींद ही आएगी, फिर समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप सो जाओ और ऐसा क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे से निकल जाए यहाँ से कि जो आपके एग्जाम में आना है। तो भाई सोना नहीं है, एक तो मेरी मेन बात याद रखना, अगर मेरी वीडियो में कोई सो रहा है तो याद रखना कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ मेरे भाई। आप शुरू से लेके आखिर तक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं आप, ये मेरा खुद का चैनल है, हमारा, हम जितने टीचर हैं हम सबका चैनल है ये, और ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसीलिए हम फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ें यहाँ से और एक अच्छी जॉब पे पहुँच सके। देखो हमें यहाँ से अलग से कोई अर्निंग नहीं होनी है कि हमें अलग से कुछ बेनिफिट होना है। हाँ, अगर हमारे पढ़ाने की वजह से आप में से कोई बच्चा सिलेक्शन ले जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी मेरे भाई, ठीक है। तो उसी खुशी के लिए हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो मेरे दोस्तों जरा ध्यान से पढ़ें, ठीक है जी। यहाँ पे आके सुस्त नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो डायरेक्टली फ़ोन करके, मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पे नीचे की तरफ नंबर चला हुआ है हमारा, उस नंबर पे कॉल करके बताना जी वहाँ पे उस पॉइंट पे मेरे को दिक्कत है, या कमेंट कर देना है, ठीक है जी, उस चीज़ को हम दोबारा कराएंगे। तो आपके लिए घर से करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मेरे भाई, देखता हूँ और कितने बच्चे उसका ठीक आंसर निकालेंगे। आइएगा, ये क्वेश्चन एक बार रेलवे में पूछा गया था। अब एक बार क्लास में बच्चे बोले जी ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता, तो अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को, बढ़ा नहीं रहा हूं मैं, ये उन्होंने पूछा था भाई, इसलिए मैंने दे दिया। ये भाई ना देखो, ये रेक्टेंगल से नजर आ रहे होंगे, देखो थोड़ा बनाने में हो जाता है, क्योंकि अब मेरे पास पूरा ये तो है नहीं कि मैं स्केल लेके खड़ा हूँ यहाँ पे, तो पूरा 3D वैल्यू बनेगी, ये एक स्केयर ही मान के चलना, रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। ये नहीं बनाना है भाई, कहीं इसको बना रहे हो, आपको जो बनाना है वो मैं भी दे रहा हूं आपको। ये भी स्केरी मान के चलना, वैसे रेक्टेंगल के अनुसार दिख रहा है, ये स्केरी मान के चलना, ठीक है। ये फिगर है भाई, वैसे आपका ये फिगर है, देखते हैं कितने बच्चे इसका ठीक आंसर निकालते हैं। आपके लिए क्वेश्चन फिगर है, और मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है,
तो वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि देखो इस लॉकडाउन के अंदर हम घर से निकल के रिस्क लेके आपके लिए आ रहे हैं, आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। बस उसी का एक रीज़न है, उसका सिर्फ एक रीज़न, सिर्फ एक, कि आप लोग हमसे जुड़े रहें, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करते रहें। अगर दोस्तों कुछ वीडियो ऐसी है, कुछ कंटेंट ऐसा कि जो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है या कहीं पर कुछ कमी लग रही है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि नीचे नंबर दिया गया और या कमेंट बॉक्स में आप हमें बोलें कि सर यहाँ पे कुछ हमें कमी लगी है, इस चीज़ को दोबारा कराइए या इस चीज़ में थोड़े और क्वेश्चन करवाइए इस टाइप के, तो मैं ज़रूर कराऊँगा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, ऐसे ही मिलते रहेगा। थैंक यू।